नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जिस तरीके से हम सभी इस बात से वलीवांती विख्यात हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस अक्रॉस द इंडिया मात्र एक ऐसी पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करती है और इसके साथ साथ जो है जो मिलिटेंट्स हैं फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट्स उनको भी न्यूट्रलाइज्ड करती है। और आज 31 दिसंबर 2021 को DGP दिलवाग सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 जो है किस तरीके से रहा जम्मू कश्मीर पुलिस का। तो आइए देखिए क्या कुछ कहा दिलवाग सिंह जी ने, DGP जम्मू कश्मीर पुलिस ने, कि क्या क्या फैक्ट्स और डाटा है। 2022 का आगाज होने जा रहा है, मैं आप सबको नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूँ, गुड विशेस देता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से, और दुआ करता हूं कि आने वाला साल पिछले सालों के मुकाबले में और ज्यादा पीसफुल हो और लोगों के लिए और बेहतर साल साबित हो। साथियों, 2021 का हम लोग अगर लेखा जोखा करें तो एक और कामयाब साल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर और हमारे लोगों के लिए रहा है। हमने कोशिश की कि हम पहले के मुकाबले में और बेहतर माहौल अपने लोगों को दे सकें और पीसफुल माहौल लोगों को दे सकें, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी कोशिशें कामयाब हुई और बहुत हद तक सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर जो हैं वो पहले सालों के मुकाबले में और ज्यादा बेहतर हुए। आप लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि जानने में कि टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बीमारी एक मर्ज की तरह पिछले 30 सालों से लगा है, उसका क्या सूरत हाल रही, साल के दौरान किस तरह का काम रहा। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशन के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए, और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो A++ कैटेगरी जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अलबदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। और ये वो टॉप कमांडर हैं जो लोगों की जान माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के इशारों पर मौत का नंगा नाच यहां पर कैसे रचाना है उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं, और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहां पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। ये 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी पुलिस BSF सब लोग शामिल हैं उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा, और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस बार
आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। और लाइन ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये फिर नहायत ही कामयाब तरीके का एक साल रहा है। स्टोन पेल्टिंग जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, एजिटेशन जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, बंद काल जो लोगों को चलते हुए काम को रोकने का काम करती थी, लोगों के कारोबार, बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह की चीज को बतासर करती थी, लगभग ना के बराबर हो गई है। और लैंड ऑर्डर तो 60-70% तक इम्प्रूवमेंट और ज्यादा हो गई है। चंद ऐसे इंसिडेंट हुए जहां बहुत ही लोकलाइज लेवल के ऊपर बड़ी कम तादाद में लोग निकले, मगर कार्रवाई बहुत इफेक्टिव पुलिस की तरह प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो स्टोन पेल्टिंग में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी गई, और जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश भी की गई कि ये रास्ता अभी तक किसी को रास नहीं आया है, नुकसान होता है, आप भी इस रास्ते से बच के रहिए। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि जो टेररिस्ट के रैंक में रिक्रूटमेंट होती है उसका क्या हाल रहा। ये साल उस लिहाज से भी बड़ा कामयाब साल था। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूंगा नए जूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए, मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पर मारे गए, 22 लोग पकड़े गए, और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं, और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, एक महीना भी रही और ज्यादातर 3-4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताजा ताजा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए, और फिर से अपनी जिंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। किसी अगर दहशत गर्दी की कार्रवाई में वो शामिल ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नरम से नरम करने का भी सोचा जा सकता है। जहां इतनी बड़ी तादाद में कामयाब ऑपरेशन हुए उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लौटने का, जिंदा वापस लौटने का मौका भी दिया गया। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया। केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे, मगर उनकी जान जो है एनकाउंटर्स के दौरान जो लोग हथियार थामे रखते हैं। और सर बॉर्डर बटालियन का एग्जाम के लिए टेररिस्ट सबसे बड़े थ्रेट थे और ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया गया। आज की डेट में ओवरग्रोन वर्कर जो हैं थ्रेट बन के आ रहे हैं, वो इस तरीके की डेडलाइन होके आ रही है उनके लिए कि इतनी देर में इतने ओवरग्रोन वर्कर जो हैं सफाया किया जाएगा। आपने मुझे सुना नहीं अच्छे से। दहशतगर्द तो 182 का सफाया हुआ है, ओजीडब्ल्यू 570 का हुआ है, तो आप देख नहीं रहे कि हम ओजीडब्ल्यू की ज्यादा रफ्तार से जो है वो सफाया करने में, उनको पकड़ के कानून के दायरे में लाने की कोशिश। तो ये थे डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस दिलवाग सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसकी सिचुएशन कंट्रोल हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर कश्मीर वैली में, और वहीं जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है बहुत कम हुआ है। अब की बार मात्र 24 घटना ही इन्फिल्ट्रेट हुई हैं, जहाँ 24 मिलिटेंट ही वहाँ से इस तरफ आ पाए हैं, और अधिकतर जो मिलिटेंट्स हैं वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, मारे गए हैं। और पैंथा चौक में जो हाल ही में एक जम्मू कश्मीर पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था, उसके सारे के सारे मिलिटेंट्स विद इन 36 आवर जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए और मार दिए गए। और उन्होंने बहुत बड़ी एक और बात कही है कि युवाओं को रास्ते पे लाने के लिए काउंसलिंग सेशन चल रहा है कश्मीर के अंदर, और उनकी जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी की पूरी कोशिश है कि जो भटके हुए युवा हैं उनको वापस लाया जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज उन्होंने बात की। और वाइट कॉलर की बात करूं तो वाइट कॉलर, येलो कॉलर, रेड कॉलर, ओवरग्राउंड वर्कर के ऊपर जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या रणनीति है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओवरग्राउंड वर्कर के लिए, तो उन्होंने कहा कि ओवरग्राउंड वर्कर को अधिक तीव्रता से ख़त्म किया जा रहा है कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स की बनस्पत। आप जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।